Hello students, in this video we are going to discuss representation of sets, that is how to represent any set. Students, there are two methods to represent any set. First one is roster method or tabular method. Second one is set builder method or property method. Okay, in this video I will tell you in detail, and also I will discuss NCERT exercise 1.1 remaining questions, that is question number 3 up to end, and also I will discuss RS Agarwal exercise solution. Okay, before watching this video I request you, please take out one copy and pen and write down what I am saying. Student, in last video already we have discussed what is the definition of sets, and I gave you some examples and non-examples of sets. Okay, so what is the definition of sets? A set is a well-defined collection of distinct objects. मतलब अलग अलग objects का collection. आप बताइए ये क्या sets है? हमने जो ये लिख रहे हैं, sorry, 2, 3, 4, 5. Okay, this is a set. Of course, this is a set because all elements are distinct. ये इसको बोलते हैं elements. Okay, सारे element distinct है और सारे element well defined है. Two को तो आप define कर सकते हैं ना. 3, 4, 5. आप बताइए ये क्या set है? 2, 2, 4, 4. ये क्या set है? This is not a set because देखिए सारे element distinct नहीं है, यहाँ पे repeated element है. 2 तो repeat हो चुका है, 4 भी repeat हो चुका है. अगर हम ये लिख दें 2, 4, ये set हो जाएगा, but this is not a set. Repeat नहीं होगा, elements repeat नहीं होगा, distinct रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए. Okay, last video में ये भी बताया कि ये symbol का नाम क्या है, such that. सच दैट को इसको बोलते हैं सच दैट, और इसको भी बोलते हैं सच दैट. आप कोई भी एक सिंबल यूज़ करिएगा, चाहे ये दीजिए चाहे ये दीजिए. और ये सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू. ये तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं. और सेट को हमने सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. सपोज कुछ सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखिए. अगर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे. सो ये एलिमेंट्स सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है ना वो स्मॉल लेटर में होता है. तो ये सेट का नाम है, हम कैपिटल ए नाम देते हैं. सो दिस सेट इज कॉल्ड कैपिटल ए. कैपिटल ए का एलिमेंट क्या क्या है? ए, बी, सी. देर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट. ओके, सारे एलिमेंट्स अलग है. तो ये जो सेट्स है इसको रोस्टर में आप बताएंगे, रोस्टर मेथड पर टेबुलर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है. आप ऐसे याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाते हैं बच्चे कि रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड सोचते हैं कि अलग है. बेटा ये दोनों अलग नाम है बट दोनों चीज़ एक ही है. ओके, आप ऐसे याद रखिएगा, रतन टाटा, आर फॉर रतन, टी फॉर टाटा. ये तो आप फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट आप जानते ही हैं. तो आर टी मेथड, इसको ऐसे याद रखिए, आर टी मेथड, रतन टाटा का मेथड. ये एक्चुअली इसका मेथड नहीं है बट आप याद रख सकते हैं ऐसे. आर फॉर रोस्टर एंड टी फॉर टेबुलर मेथड. और एक प्रॉपर और दूसरा मेथड क्या लिखा था? सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड. ओके बच्चे, ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रोस्टर और प्रॉपर्टी मेथड एक साथ बताते, बोले ये दोनों सेम है. रोस्टर एंड प्रॉपर्टी मेथड सेम होता है और टेबुलर एंड सेट बिल्डर मेथड सेम होता है. ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, इसीलिए हमें एग्जाम्पल आपको बताया कि ऐसे याद रखिए ये दोनों में रतन टाटा तो एक ही आदमी है, तो रोस्टर एंड टेबुलर मेथड एक ही सेट है, सेम. ओके, सेम चीज़ है. और सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड सेम है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है. आप इसको ऐसे याद रखिए, शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा. तो शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा इज बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो इसके नाम से याद रखिए, एस फॉर सेट बिल्डर एंड पी फॉर प्रॉपर्टी मेथड. तो ये दोनों मेथड सेम है. ये क्या है? हम ए टू जेड आपको बता रहे हैं. देखिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4 अप टू 99. तो ये तो सेट होता है, आपको हम लास्ट वीडियो में बताया.
और ये क्यों सेट होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड भी है, तो दिस इज सेट। ये जो आपको सेट में एलिमेंट दिखाई दे रहा है ना, 1, 2, 3, 4 अप टू 19, अच्छा इसको, ये जो हमने लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, एक्स एक्स सच दैट, देखिएगा सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, समझिएगा नेचुरल, आप लिखिए नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए सच दैट का मतलब क्या होता है, सच दैट मतलब आपको पूछ रहे हैं कि एक्स कैसा है, एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच इज लेस देन 100। तो 100 से छोटा एक्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 99। एक्स ऐसा एक नंबर है जो नेचुरल नंबर होगा एंड 100 से छोटा है, हम ये लैंग्वेज में लिखा है इसको। और इसमें हम ऐसे एलिमेंट, देखिए इसका मीनिंग ही तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 99, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है और इसमें एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये लैंग्वेज के ऊपर, ये लैंग्वेज के अंदर ही एलिमेंट छुपा है, जिसमें लैंग्वेज रहता है वो रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, समझिएगा। जिसमें लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश सेंटेंस रहता है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, और जिसमें लैंग्वेज नहीं रहता है उसको बोलते हैं रोस्टर एंड और टेबुलर मेथड। तो ये देखिए इसमें एलिमेंट्स को दिखाई देता है 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉलर, देखिए सारे एलिमेंट्स को दिखाई दे रहा है, जो जिसमें दिखाई देता है एलिमेंट्स को उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड व टेबुलर मेथड, और जिसमें आप लैंग्वेज दिखेगा उसको बोलते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। और एक एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेट लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये तो सेट ही है क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, इवन नंबर है क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना चाहते हैं कि एक्स सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, तो एक्स कैसा है आपको पूछ रहे हैं, तो एक्स कैसा है, यहाँ पे एक्स तो सारे इवन नंबर, एक्स इसको भी मानिए, इसको भी मान सकते, इसको भी मान सकते, आप एक्स को कुछ भी मान सकती, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक्स कुछ भी मान सकते। एक्स कैसा है, एक्स इवन नंबर है, एक्स इज एन इवन नंबर बिटवीन, किसके बीच में, 1 एंड 11 के बीच में, तो 1 और 11 के बीच में इवन नंबर क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको हमने लैंग्वेज में लिखा और इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर है क्या, ये लैंग्वेज में, देखिए हम बोलेंगे कि जो, सॉरी देखिए इसको आप दूसरा तरीके से भी बता सकते हैं, हम और एक तरीका बता रहे हैं, एक सच दैट ये सारे नंबर देखिए डिविजिबल बाय 2 है, एक्स इज डिविजिबल बाय 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 2 बिटवीन 1 एंड 11। इसका मतलब क्या है, एक्स इवेंट नंबर है 1 एंड 11 के बीच में, इसका मतलब ही यही है, और एक्स इज डिविजिबल बाय 2, देखिए ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है, ये 1 एंड 11 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है, ये भी सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है, और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी मेथड है, और इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, जिसमें एलिमेंट्स बार बार एक ही बात बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि रोस्टर और टेबुलर मेथड में एलिमेंट्स को दिखाई देगा और सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड में एलिमेंट्स को दिखाई नहीं देगा, बट ये लैंग्वेज में आपका लिखा रहेगा। NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट वीडियो में हम लोग बता दिया था, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। नंबर 1 कैपिटल A इक्वल टू बोल के लिख लीजिए, आप कॉपी में सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, इस पेज में जितना क्वेश्चंस है, अगर बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ सकता है कि आपको रोस्टर फॉर्म गिवन रहेगा, आपको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, और सेट बिल्डर फॉर्म गिवन रहेगा तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3, 4 ये 4 रोस्टर फॉर्म में नहीं है, ये चारों
क्वेश्चन सेट विलर फॉर्म में है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, सारे देखिए सेट विलर फॉर्म में है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कभी कभी ग्रेटर देन बोल देते हैं और इसको कभी कभी लेस देन बोल देते हैं। स्टूडेंट्स ये लेस देन है, आप हमेशा याद रखना हम जिस हाथ से लिख रहे हैं ये राइट हैंड है और जिसमें नहीं लिख रहे लेफ्ट हैंड है। एल फॉर लेफ्ट हैंड और एल फॉर लेस देन। तो लेफ्ट हैंड से जो सिंबल बनेगा वो है लेस देन। देखिएगा लेफ्ट हैंड से हम बना रहे, देखिए सिंबल एल फॉर लेस देन एल फॉर लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड से बना है तो ये लेस देन होगा जिसका, तो इसका उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और शायद कंफ्यूज आप नहीं होंगे तो ये लेस देन है और जहाँ भी इक्वल साइन दिया रहेगा वो है इक्वल, लेस देन और इक्वल। ओके देखिए इंटीजर क्या क्या होता है आपको लास्ट वीडियो में बताया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे इंटीजर होता है। ओके तो इसको ये सेट बिल्डर जहाँ पे लैंग्वेज रहता है वो सेट बिल्डर मेथड होता है, तो सेट बिल्डर मेथड में दिया है। इसको आपको रोस्टर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो एक्स कैसा है आपको पूछ रहा है, एक्स कैसा है, एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर होगा जो माइनस 3 से एंड 3 एंड 3 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब माइनस 3 से बड़ा। ओके समझिएगा, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, तो माइनस 3 से एक्स बड़ा है और 7 से छोटा, तो 7 बड़ा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 3 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक होगा। हमेशा याद रखना जहाँ पे इक्वल दिया रहेगा ना वो एलिमेंट को आपको लेना है। x माइनस 3 के बराबर है, इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है देखिए, तो माइनस 3 लेना है। और यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, तो 7 के पहले तक लेंगे हम, 7 के पहले तक लेंगे। तो 7 के पहला नंबर इंटीजर क्या है, 6, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। तो इसको अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो ये लैंग्वेज मिल जाएगा, और इसको अगर रोस्टर मेथड में लिखना चाहते तो ये मिलेगा। अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ये दिया रहेगा, आप देखिए उल्टा यहाँ पे सेट बिल्डर से आपको रोस्टर लिखना था क्योंकि सेट बिल्डर तो गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये बता देंगे, मतलब हम बोलना चाहते हैं ये क्वेश्चन बता देंगे कि राइट दिस सेट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको ये क्वेश्चन दे देंगे समझिएगा। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से तो ये होगा। और एक तरीका है, आप इसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं, सभी सही होगा। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इंटीजर माइनस 4 और 7 के बीच में है, माइनस 4 और 7 के बीच में इंटीजर क्या क्या है, माइनस 3 अप टू 6 ही होगा, यही आंसर होगा, तो ये भी आपका सही है। आप अगर इसको ऐसे चेंज कर दें, माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, तब भी ये गलत नहीं है स्टूडेंट्स, अलग अलग नोटेशन है। ओके तो इसका मीनिंग ही तो यही है। तो एक हमेशा याद रखना रोस्टर फॉर्म हमेशा यूनिक होगा, एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा, बट सेट बिल्डर जो प्रॉपर्टी सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपका लैंग्वेज बदल सकता है, बट रोस्टर मेथड हमेशा एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा जहाँ पे एलिमेंट आपका दिखाई देगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इन रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगा, आप आंसर ऐसे लिख दीजिए, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4। आप अगर नेचुरल नंबर नहीं जानते तो लास्ट वीडियो में देख लीजिए आई बटन क्लिक करके यहाँ पे, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, सी इक्वल टू कैपिटल सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नंबर क्या क्या होता है आप बताइए, 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट रहता है, जैसे आपका 2 डिजिट नंबर 10 11 12 अप टू 99, इसमें देखिए 2 ही डिजिट है, 1011, देखिए 2 डिजिट है, हर एक नंबर पे देखिए 2 डिजिट है।
आप बोलेंगे बोलेंगे यहाँ पे दो डिजिट कहाँ है, ये तो दोनों नंबर तो एक ही है। नहीं स्टूडेंट्स, ये एक डिजिट माना जाता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो हर एक डिजिट, जैसे मेरा मोबाइल नंबर, हाँ देखिए यहाँ पे रिपीट, ये सब डिजिट माना जाता है, 10 डिजिट। आप गिन के देखिए, वो आप अगर कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है आपका, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। ओके, देखिए आपका 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मोबाइल नंबर क्या है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो एक एक डिजिट है। बोले कि ऐसा एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है जो 2 डिजिट नंबर होगा, तो 10 से 99 तक होगा। और भी एक कंडीशन है कि सच दैट दिस सम ऑफ इट्स डिजिट इज 5 बोल 8। तो ऐसा कौन सा नंबर का डिजिट ऐड करने से 8 मिलेगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप 1 7 देखिए, 17 17 देखिए, तो ये दोनों को ऐड करिए, 1 + 7 क्या होता है, 8। तो इसका डिजिट का सम 8 हो गया। तो पहला 2 डिजिट नंबर क्या है, 17, जिसका डिजिट का सम है 8। ओके, आप नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 2 से अगर स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट किया तो 7 मिला, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के साथ कितना ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 26 होगा। तो सेकंड 2 डिजिट नंबर है 26, जिसका सम है 8। अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 5 मिलेगा। 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 4 मिलेगा। 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 3, देखिए आप इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 2, 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 1, और 8 से स्टार्ट करेंगे तो 8 0। देखिएगा यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ओके, 8 0 होगा, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, 8 0, ये दोनों का सम भी तो 8 है, 2 डिजिट का सम 8 है। और कोई नंबर है जिसका डिजिट का सम 8 है, नहीं है, तो इसको रोस्टर मेथड में लिखने से क्या हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए इसका आंसर, देयर फोर सी इक्वल टू इन रोस्टर मेथड लिखिएगा, 17 26 35 44 53 62 71 80। यहाँ पे 80 लिखना भूल जाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो क्योंकि 8 + 0 करने से तो 8 आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैपिटल डी इक्वल टू डी सेट क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है हम बताएंगे आपको। बोले कि ऐसा प्राइम नंबर जो जिसका डिवाइजर है, व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर है, इसका मीनिंग क्या है आपको बता देते हैं। देखिए 60 किसका किसका टेबल में आता है बताइए, 1 के टेबल में 60 आता है, क्योंकि 160 जा क्या होता है 60, तो 1 इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ 60, क्योंकि 1 60 को डिवाइड करता है। ओके, तो 1 इज ए डिवाइजर। तो डिवाइजर हमको क्या क्या मिल रहा है देखिएगा, डिवाइजर्स, और बोल के 60 का डिवाइजर एक तो 1 मिला। आप देखिए 2 के टेबल में क्या 60 आता है, ऑफकोर्स आता है, देखिए 2 2 को 60 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, 2 30 इज 60, तो 2 इज ऑल्सो डिवाइजर। 3 के टेबल में 60 आता है, ऑफकोर्स आता है, 3 20 इज 60, तो 3 इज ऑल्सो डिवाइजर। जिसके टेबल में 60 आता है वो सारे नंबर को बोलते हैं डिवाइजर ऑफ 60। तो 4 के टेबल में आता है 60, हाँ 4 15 जा, तो 4 भी डिवाइजर हो जाएगा। 5 के टेबल में आता है 60, ऑफकोर्स 5 12 जा, तो 5 भी डिवाइजर हो जाएगा। 6 के टेबल में आता है तो 6 10 60, तो 6 भी डिवाइजर है। 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो 7 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 60। 8 के टेबल में आता है, नहीं। 9 के टेबल में आता है 60, नहीं। 10 के टेबल में आता है, 10 6 जा 60, तो 10 भी डिवाइजर होगा। 11 के नहीं आएगा, 12 के टेबल में आता है तो 12 भी डिवाइजर होगा। 13 14 14 के टेबल में नहीं आएगा, 15 15 4 जा 60, तो 15 भी डिवाइजर होगा। 16 17 होगा नहीं, 7 18 19 नहीं होगा, 20 20 के टेबल में 60 आता है, तो 20 भी डिवाइजर है। और 21 22 अप टू 29 तक डिवाइजर नहीं होगा, देखना किसी के टेबल में 60 नहीं आएगा। और 30 30 के टेबल में 60 आता है, 32 जा 60, तो 30 इज द डिवाइजर ऑफ 60। आप बोलिए, आप या बोलेंगे ये साइड, देखिए और भी एक डिवाइजर है, वो है 60।
सिक्सटी के टेबल में तो 60 आता ही है, 61 जाके कितना होता है 60, तो 60 ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर मतलब फैक्टर्स, और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स होता है वही है डिवाइजर। तो ये सारे नंबर्स फैक्टर हो गया, यही सारे डिवाइजर बोलते हैं इसको उल्टा उल्टा करके। तो इसमें कौन सा प्राइम नंबर है, बोला कि एक सीधे प्राइम नंबर जो डिवाइजर, विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 का डिवाइजर में प्राइम नंबर क्या क्या है, यही आपको पूछा है। प्राइम नंबर क्या होता है जिसका दो फैक्टर होता है, एग्जैक्टली विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर। देखिए टू, टू का दो फैक्टर है, एक वन एक टू। देखिए वन के टेबल में टू आता है और टू के टेबल में टू आता है, तो दो फैक्टर है। थ्री भी प्राइम नंबर है क्योंकि थ्री के टेबल, वन के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है। सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, फोर प्राइम नंबर नहीं। देखिए सिक्स वन के टेबल में तो आता है, सिक्स के टेबल में आता है, बट टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है। तो फोर, सिक्स का कितना फैक्टर्स है, सिक्स का कितना फैक्टर्स है, वन टू थ्री फोर, चार फैक्टर है। आपको अभी बताया कि प्राइम नंबर मतलब जिसका एग्जैक्टली टू फैक्टर, विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, मतलब दो नंबर के टेबल में आना चाहिए। बहुत सारा नंबर का टेबल में आएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे फोर भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि फोर वन के टेबल में तो आता है, टू के भी आता है, फोर के, तो फोर का तीन फैक्टर है, तो फोर इज नॉट ए प्राइम। सिमिलरली वन क्यों प्राइम नंबर नहीं है, वन देखिए सिर्फ वन के टेबल में ही आता है और किसी का टेबल में नहीं हो आता है। तो वन, वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, और हम बताया अभी कि दो फैक्टर होने से ही प्राइम नंबर होगा, एग्जैक्टली दो फैक्टर रहना ही चाहिए तभी होगा प्राइम नंबर। तो वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर कहाँ मिला हमको, तो वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो टू प्राइम नंबर, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, दीज आर को प्राइम नंबर। बताइए इसमें यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या है, तो वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। बच्चे गलती कर देते हैं, वन लिख देते हैं, तो बी केयरफुल। तो वन इज नॉट ए, पहला प्राइम नंबर है टू, टू थ्री फाइव और प्राइम नंबर है सिर्फ टू थ्री फाइव। देखिए और ये सारे नंबर्स का मैक्सिमम दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, कैपिटल ई इक्वल टू दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कितना लेटर्स है उसका सेट, ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए हम लिखते हैं, तो टी लिख लिख दिया, उसके बाद आर लिख दिया, उसके बाद आई लिख दिया, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद फिर ओ आया। देखिए यहाँ पे ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में तो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट रहता है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग एलिमेंट रहता है, तो ओ दो बार नहीं लिखना होगा आपको, दो बार नहीं लिखेंगे आप। एम उसके बाद ई, ई उसके बाद देखिए टी तो ऑलरेडी रिटन, आई हैव रिटन टी हेयर, तो टी नहीं होगा। आर देखिए, आर तो ऑलरेडी रिटन हेयर, आर भी नहीं होगा। तो दिस इज योर रोस्टर मेथड ऑफ दिस लैंग्वेज। देखिए ये जो गिवन क्वेश्चन है ये आपको आपका सेट बिल्डर फॉर्म में भी नहीं है, रोस्टर फॉर्म में भी नहीं है, लैंग्वेज में है सिर्फ। और ये देखिए, ये जो हमने लिखा है एक सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो गया सेट बिल्डर और ये हो गया आपका रोस्टर। क्यों, आपको बताया कि सेट बिल्डर हमेशा सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं और रोस्टर भी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, दोनों मेथड ही हमेशा सेकेंड ब्रैकेट आपको दिखना चाहिए, सेकेंड ब्रैकेट होगा तभी आपका सेट बिल्डर सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। अगर लैंग्वेज रहता है तो सेट बिल्डर, अगर नंबर दिखेगा लैंग्वेज नहीं रहेगा तो, इंग्लिश सेंटेंस नहीं रहेगा तो वो रोस्टर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन के तरह ये क्वेश्चन है, कैपिटल एफ इक्वल टू दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में कितना वर्ड, इसको आप सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के जगह पे सिर्फ बेटर हो जाएगा लास्ट सम्स में। और रोस्टर मेथड हो जाएगा बी ई टी आर, यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए डबल टी को आपको एक ही वाल लिखना है और डबल ई को एक ही वाल लेना है क्योंकि ये सेट है, सेट में डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट रहता है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर सारे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर फोर में राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक्स देना है, एक्स सच दैट, ओके एक्स
अब कैसे देखिए, नंबर को अच्छे से देखिए, यहाँ पे सेट का एलिमेंट्स को अच्छे से देखिए, 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल पढ़िए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4th तक लिया है। तो आप ऐसे बोलिए, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, समझिएगा। बहुत सारा आपका मेथड होगा इसका, जैसे ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो सेट बिल्डर में बहुत सारा कॉम्बिनेशन आएगा, आपको बताएंगे। एक सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड विच इज एंड एक्स इज लेस देन 13, आप 15 कर दीजिए, बताइए। 15 से छोटा मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है, वो है 3, 6, 9, 12, है कि नहीं। तो मेरा ये सेट बिल्डर फॉर्म हो चुका है। और भी आप अगर एग्जाम में ये लिखेंगे तब भी सही है। आप अगर बोलेंगे ना, हम ऐसे सोचेंगे कि एक सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 एंड एंड जहाँ पे 2 लेस देन x लेस देन 13। देखिए, 2 और 13 के बीच में कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 3 है, वो है 3, 6, 9, 12, 4 ही तो नंबर है 2 और 13 के बीच में जो डिविजिबल बाई 3 है। देखिए ना, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ये तो 4, 5 तो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो 13 के बीच में, 2 और 13 के बीच में, तो 13 तक जाएगा नहीं, 12 तक ही जाएगा, तो 4 ही नंबर है, 3, 6, 9, 12। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते थे। और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे देखिए, एक सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, ऐसे लिखिए, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड लिख दीजिए 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। ये भी लिख सकते थे। इसका मतलब है ना, 3 और 12 के बीच में जो जो नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और 3 भी होगा। देखिए, हम बोले थे कि इक्वल रहने से ये एक्स 3 भी हो सकता होगा, और यहाँ पे इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल सिंबल है, तो एक्स 12 भी होगा, 3 भी होगा, 12 भी होगा, और 3 और 12 के बीच में जो जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो भी होगा। तो 3 और 12 के बीच में मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है, 6 और 9। तो ये जो कंडीशन हमको सेटिस्फाई हो रहा है ये रोस्टर मेथड में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन, आपके पास और कोई रिप्रेजेंटेशन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2, 4, 8, 16, 32, इसको आप सोचिए कैसे आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2, 4, 8, 16, 32, 2 को आप 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को 2 क्यूब, 16 को 2 द पावर 4 एंड 32 को 2 द पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सब में 2 कॉमन है, और पावर पावर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक सच दैट एक्स इक्वल टू, एक्स कैसा है, एक्स ये होगा 2 टू द पावर n होगा, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर होगा विच आर लेस देन 6। देखिए ना, n के ऊपर डिपेंड करेगा ना x, अगर n, अच्छा बोलिए, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। एन अगर 1 पुट कर दे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 टू द पावर 1, तो फर्स्ट एलिमेंट। एन अगर 2 पुट कर दे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 स्क्वायर, दैट इज सेकेंड एलिमेंट। एन 3 पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 2 टू द पावर 3, दैट इज थर्ड एलिमेंट। 4 पुट कर देंगे तो फोर्थ एलिमेंट, 5th पुट कर देंगे तो 5th एलिमेंट। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते, एक्स एन इज नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, ये लिख सकते थे, ये भी सही है। ओके, और भी एक देखिए, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे,
आप तो जानते ही है ये जो नोटेशन है ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सारे एलिमेंट्स को, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सारे एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिख देंगे तो सारे नेचुरल नंबर को, तो हो जाएगा सेट। तो यहाँ पर देखिए ये नोटेशन, एक्स इक्वल टू टू द पावर एन एंड एन इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब ही तो है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एन नेचुरल नंबर होगा, ये बिलोंग्स टू का मतलब है नेचुरल नंबर होगा, एन क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, जहाँ पे एंड और भी एक कंडीशन है जो सिक्स से छोटा है, समझिएगा, तो एन क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा जो सिक्स से छोटा है, और एक्स क्या होगा, एक्स होगा टू टू दी पर एन। आई होप आपको समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन के तरह ही सेम प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। 5 को 5 टू दी पर 1, 5 25 को 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 125 को 5 क्यूब और 625 को 5 टू दी पर 4 लिख सकते हैं। तो इसको देयर फॉर आंसर क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x सच दैट x इक्वल टू 5 टू दी पर n कर दीजिए एंड n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर एंड विच इज n इज कहाँ तक है, n देखिए 5 टू दी पर ये जो n है n कहाँ तक है 1 2 3 4 तक है, तो n लेस इक्वल टू 4 कर सकते हैं, ये करेंगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो दूसरा आंसर होगा n लेस देन 5 कर सकते हैं, तो भी और एक रिप्रेजेंटेशन है ये भी सही है। आप अगर बोलेंगे हम ये भी नहीं करेंगे, अगर आप ये कर दीजिए 0 n 5 ये भी होगा, क्योंकि 0 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या है 1 2 3 4 चार ही तो है, आप कोई भी एक लिखिए आंसर आपका सही हो जाएगा। और भी अगर कुछ है तो आप बताइए कमेंट करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4, तो 2 4 6 इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक तो होगा देखिए सारे इवन नंबर्स है, 2 4 6 ये सारे इवन नंबर्स है ना, या मल्टीपल ऑफ 2 ये भी बोल सकते हैं, तो इसको आप एक लिखिए एक सच दैट, आपको बार बार एक्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक्स भी एक्स छोड़ के दूसरा कुछ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आप ए लिख सकते हैं ए सच दैट ए इक्वल टू 2n एंड जहाँ पे n है नेचुरल नंबर। देखिए n अगर n तो नेचुरल नंबर का सेट है, ये कैपिटल n नेचुरल नंबर का सेट, तो ये स्मॉल n क्या नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। n अगर 1 ले तो 2 into 1 2 हो जाएगा पहला एलिमेंट, n अगर 2 ले तो 2 into 2 4 दैट इज सेकेंड एलिमेंट, n अगर 3 ले क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है ना, कोई भी नेचुरल नंबर, n 3 ले तो 2 into 3 दैट इज 6 ये भी, तो n अगर 4 ले तो नेक्स्ट एलिमेंट 8, n अगर 5 ले नेक्स्ट एलिमेंट 10 आएगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे डॉट ये इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट तक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट सम्स की तरह और एक क्वेश्चन लिखा है, तो 3 6 9 12 15, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए और आंसर मैच कर लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं y सच दैट y इक्वल टू, देखिए 3 का मल्टीपल है तो 3 into k जहाँ पे क्या है एंड के इज के क्या है के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, n n n बार बार नहीं भी लिख सकते हम, देखिए बार बार x लिख रहे थे यहाँ पे y से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप अगर बोलेंगे हम a से लिखेंगे तो y इक्वल टू 3n लिखिए एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या आप इसको बोलेंगे सर हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे k सच दैट k इक्वल टू 3 लैम्डा एंड लैम्डा इज ए नेचुरल नंबर, ये भी चलेगा स्टूडेंट्स, आप जैसे मन है लिखिए, सारे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5, 1 4 9 100, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप पहले सोचिए। 1 को आप एक सिमिलरिटी आएगा, देखिए हमेशा एक सिमिलरिटी आएगा, जैसे 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं डॉट डॉट, लास्ट क्या है 100 को आप 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके आप बताइए इसको कैसे लिखेंगे। तो देयर फॉर आंसर होगा इसका एक सच दैट
एक्स इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स जो पावर है ना वो फिक्स्ड है, टू है, मतलब पावर में तो टू होगा ही, और यहाँ पे जो बेस है वन टू थ्री ये वेरी कर रहा है अप टू टेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन कर देते हैं, ओके एंड एन क्या है, नेचुरल नंबर है, वन टू थ्री फोर अप टू टेन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड व्हिच इज एंड, और एक कंडीशन है एन जो इलेवन से छोटा है, ओके दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, इलेवन से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, वन टू अप टू टेन, तो एन अगर वन लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन स्क्वायर दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट, एन अगर टू लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टू स्क्वायर दैट इज सेकेंड एलिमेंट, एन अगर थ्री लेंगे तो एन का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, थ्री स्क्वायर दैट इज थर्ड एलिमेंट, थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, देखिए मैच हो रहा है, एन अगर लास्ट टेन लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स कैसा है, एक्स टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर मतलब हंड्रेड, तो यह है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप बोलेंगे सर हम इसको ऐसे कर दें, अगर एन इज़ लेस देन और इक्वल टू हंड्रेड ये भी चलेगा, इक्वल हो गया मतलब एन नेचुरल नंबर होगा जो टेन के बराबर भी होगा, इसका मतलब है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप लिख लीजिए, न्यू क्वेश्चन राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, बोल के ये हंड्रेड को मिटा दीजिए, मतलब ये हंड्रेड नहीं रहेगा, मतलब ये इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, हंड्रेड नहीं रहेगा मतलब ये चलेगा नाइन टेन स्क्वायर इलेवन स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर ऐसे चलेगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम वे में इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, तो डॉट 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 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये लैंग्वेज तो सही है, एक चीज़ नेचुरल नंबर, ये कंडीशन तब हट जाएगा, ये कंडीशन और नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है ना, तो एन कुछ भी नेचुरल नंबर लीजिए तो उसका स्क्वायर करिए तो ये सेट पे बिलोंग कर जाएगा। नाइन के बाद देखिए थ्री स्क्वायर के बाद फोर स्क्वायर है, फोर स्क्वायर के बाद फाइव स्क्वायर है, इसका डॉट डॉट मतलब है टेन स्क्वायर है, इलेवन स्क्वायर है, हंड्रेड स्क्वायर है, थाउजेंड स्क्वायर है, ओके टेन थाउजेंड स्क्वायर है, वन लाख स्क्वायर है, ऐसे चलेगा। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप खुद करिए, हाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद करिए और आंसर मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर आएगा वन क्यूब लिख सकते हैं, एट को टू क्यूब, ट्वेंटी सेवन को थ्री क्यूब, 64 को 4 क्यूब, 124 को 5 क्यूब लिख सकते हैं, डॉट डॉट सेम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ n क्यूब हो जाएगा, बस आपका आंसर करेक्ट है, दिस इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, बोल के कैपिटल इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं है, जैसे वन थ्री फाइव उसको मतलब ऑड नंबर, जो इवन नहीं है वो है ऑड नंबर। स्टूडेंट्स ये लिस्ट कर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला है, अलग तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे एलिमेंट्स आपको दिखाई देगा, लिस्ट करना मतलब यही है। तो ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या है, वन, उसके बाद थ्री फाइव सेवन, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट टू देखिए, बोला कि बी एक सच दैट एक सीजन इंटीजर, एक सीजन क्या है, एक सीजन इंटीजर, इंटीजर एंड कॉमा देखिए लिखा है माइनस ऑफ लेस देन एक्स लेस देन नाइन बाई टू, तो माइनस ऑफ से बड़ा इंटीजर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ग्राफिक ग्राफ ड्रॉ करिए तो क्लियर हो जाएगा, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है, और ये माइनस वन है, ये माइनस टू है। देखिए माइनस अप कहाँ पे लाई करता है, ज़ीरो और माइनस वन के बीच में, तो दिस इज़ योर माइनस अप, ज़ीरो और माइनस वन और ज़ीरो के बीच में ये है माइनस अप, ओके ये है माइनस अप, और नाइन बाई टू मतलब क्या होता है 4.5, तो ये फोर है ये फाइव है, तो 4.5 कहाँ है, 4 और 5 के बीच में ही तो 4.5 है, ओके तो माइनस ऑफ और 4.5 इसके बीच में क्या क्या इंटीजर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप ये बॉक्स के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, तो इसका लिस्ट हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैपिटल सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू फोर,
तो इसको आपको लिस्ट करना है। तो आप इंटीजर क्या क्या होता है आप तो जानते ही है, 0 +1 -1, रिच +1, 0 +1 -1, +2, +3, ऐसे चले, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो बोले कि ऐसा कौन सा इंटीजर जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका दो मेथड है आपको बताएंगे। पहला मेथड आप सीख लीजिए, पहले आप पहला इंटीजर क्या है, 0 पुट करके देखिए, एक से इंटीजर तो एक साथ अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर क्या होता है, 0, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑफकोर्स ट्रू है क्योंकि जिधर मुँह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, तो 0 से 4 तो बड़ा है, तो 0 आएगा ये लिस्ट में। आप देखते हैं 1, एक्स के यहाँ पर 1 रख के देखिए, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है, ट्रू तो 1 से 4 तो बड़ा है, लेस देन और इक्वल, समझिएगा इसका मतलब, लेस देन देन और इक्वल, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, ओके। 4 से 1 तो 4 से छोटा ही है, इक्वल भी इक्वल या फिर लेस देन कोई भी एक कंडीशन होने से ही होगा, एक तो कंडीशन हो रहा है, छोटा तो हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा। आप देखते हैं -1 रखिए तो -1 स्क्वायर क्या होता है, +1, तो -1 भी ये लिस्ट में आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है क्योंकि देखिए ना, 4 इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल तो हो रहा है, 4 के बराबर ही है, तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, बट इक्वल तो हो रहा है, तो 4 भी यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे 2 भी आएगा। मतलब कि ऐसा एक्स लेना है जिसका स्क्वायर है लेस देन और इक्वल टू 4, जो यहाँ से लेंगे तो -2 भी आएगा, तो दिस इज योर लिस्ट। अरे आपको समझ में आया, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और एक तरीका ये है कि ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, एक्स इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, यहाँ पे गिवन है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो देन, तो ये क्या है, यहाँ पे कंपेयर करिए, ये क्या है 2, तो -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो ये होगा। तो आपको एग्जाम में ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखना है, ओके, सिंस बोल के आप लिखिए, सिंस बोल के लिखिए, हाँ ऐसे आप इम्प्लाई कर दीजिए, दिस इम्प्लाई दिस, देयरफॉर सी इक्वल टू कैपिटल सी, जो जो इंटीजर इसके बीच में है, देखिए ना, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो एक्स -2 और 2 के बीच में है, तो क्या क्या है, -1 0 1 -1, समझिएगा, -1 0 1, ये तो होगा ही, और देखिए x तो 2 के -2 के बराबर है, इक्वल सिंबल है ना, तो -2 भी आएगा, यहाँ पे भी x इक्वल सिंबल है, ये 2 भी आएगा, तो दिस इज योर लिस्ट, ओके। आई होप आपको समझ में आया, तो -2 और 2 के बीच में ये आएगा, -2 भी आएगा, 2 भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स बोल के ये सिर्फ हम ये चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, ये 2 कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो सिमिलर वे में वो जो पहला फार्मूला उससे भी कर सकते हैं, और जो अभी जो फार्मूला सिखाया उससे भी कर सकते हैं। देखिए एक स्क्वायर लेस देन इक्वल टू को आप √2 हो उसका लिख सकते हैं, तो ए क्या है √2, तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं -√2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √2, तो यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है -2, और यहाँ पे है +2। देखिए -√2 का वैल्यू क्या होता है, 1 point something, तो 1 point something यहाँ पे आएगा, और +√2 का वैल्यू क्या होता है, 1 point something, तो -1 point something इज -√2 का वैल्यू, तो इसके बीच में, समझिएगा, इसके बीच में इंटीजर क्या क्या है, इसके बीच में इंटीजर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बोलिए, तो लिस्ट में क्या क्या आएगा, लिस्ट में आएगा सिर्फ -1 0 1, ये आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे तो x तो इक्वल है √2 के बराबर है, यहाँ -√2 के बराबर है, यहाँ पे +√2 के बराबर है, तो x क्यों आप √2 नहीं लिखा है, √2 तो इंटीजर नहीं होता है, √2 तो इंटीजर नहीं होता है, √2 इज इरेशनल नंबर,
तो इंटीजर नहीं होता, इसलिए आपका लिस्ट में रूट टू नहीं आएगा, माइनस रूट टू भी नहीं आएगा। 5 का 4 तो वेरी सिंपल, तो इसको आप लिस्ट कर दीजिए। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए लो होगा, ये हो जाएगा। देखिए एल तो 2 है ना, तो एक ही बार आपको लिखना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लिमिट रहता है, तो दिस इज द लोया हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, और कॉमा दे के लिखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए कैपिटल ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जो जो मंथ में 31 डेज नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 366 डेज है एक लीप ईयर में, 2020 एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है 2020, इसीलिए लीप ईयर है। 2021 तो 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। 4 साल छोड़ छोड़ के लीप ईयर आता है, जैसे 2016, 2020, 2024, 2028 आएगा, तो 2019, 2017, 2018 ये सारे लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर है। 2016 के बाद देखिए ना, 2016 फोर से डिविजिबल है, जो जो ईयर फोर से डिविजिबल है उसको बोलते हैं लीप ईयर। 2020 ये जो ईयर चल रहा है ये लीप ईयर है, फोर से डिविजिबल है। सिर्फ फिर 4 साल बाद आएगा लीप ईयर, 2024 में आएगा। हमेशा याद रखना लीप ईयर में 366 डेज होता है, एक ईयर में कितना दिन होता है, 366 डेज। और नॉन लीप ईयर, जो जो लीप ईयर नहीं है उसमें 365 डेज होता है। ओके, नॉन लीप ईयर में कितना डे होता है, 365 डेज। तो 2019 था नॉन लीप ईयर। तो देखिए ये आपका टेबल लिख लीजिए कॉपी में। लीप ईयर में फेब्रुअरी होता है 29 डेज, फेब्रुअरी में 29 दिन रहता है, और नॉन लीप ईयर में 28 डेज होता है, ये लिख लीजिए। देखिए आप जोड़ के देखिए, आपका ये नॉन लीप ईयर के लिए आपका 365 आएगा। अगर फेब्रुअरी को 28 डेज मानते तो ये 365 डेज हो जाएगा। अगर लीप ईयर होता तो फेब्रुअरी में कितना दिन होता है, 29 डेज होता है। जैसे ये जो कमिंग ईयर है उसमें देखना, कैलेंडर देखिए, फेब्रुअरी में 29 डेज है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक बता देते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना दिसंबर 31 दिन का होता है। तो ये एक उंगली से देखिए, ये जनवरी, ये हमेशा 31, उसके बाद 31 तो नहीं होगा। पहला उंगली देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये 31 डेज होगा, ये 31 डेज नहीं होगा। क्या होगा हमें पता नहीं है। उसके बाद फिर 31 होगा, 31 डेज नहीं होगा। उसके बाद फिर 31 होगा, 31 डेज नहीं होगा। अब बैक से भी देखिए, देखिए 31 डेज है जनवरी, उसके 31 डेज नहीं है। उसका 31 डेज है, उसका 31 डेज नहीं है। उसका 31 डेज है, 31 डेज नहीं है। अब बैक से देखिए, दिसंबर में 31 डेज है, तो उसके पहले 31 डेज नहीं है। उसके पहले 31 डेज है, उसके पहले 31 डेज नहीं है। उसके पहले 31 डेज है, उसके पहले देखिए, ये जो ये एक्सेप्शनल केस है, जुलाई अगस्त हमेशा 31 डेज का होता है। जुलाई अगस्त देखिए हमेशा 31 डेज, अगर अगस्त 30 डेज का होता है, दिसंबर देखिए, ये जो कैलकुलेशन हमने बताया 31 30 31 30 31 30, तो दिसंबर 30 डेज का तो होता ही नहीं है, तो ये 30 डेज हो जाता है अगर ऐसे ऑर्डर मेंटेन करते। तो आप ये याद रखिए ऐसे, तो दिसंबर से बैक कैलकुलेशन करिएगा, जनवरी से भी आप सामने से फॉरवर्ड में देखिए। तो कितना दिन में 31 डेज है बताइए, जनवरी में, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, जनवरी में तो 31 डेज होगा ही, मार्च में भी 31 डेज होगा ही, मई में 31 डेज होगा ही, जुलाई में भी 31 डेज है, अगस्त में भी 31 डेज है, अक्टूबर में भी 31 डेज है, कोई भी ईयर में, लीप ईयर चाहे नॉन लीप ईयर, इसमें तो 31 डेज होगा ही है। देखिए कितना मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ, 7 मंथ है जिसमें 31 डेज रहता है एक ईयर में। तो टोटल 5 मंथ में आपका 31 डेज नहीं रहता है, वो है फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, फेब, जून, सितंबर, फेब्रुअरी, मार्च भी, अप्रैल भी आएगा, अप्रैल, उसके बाद आएगा सितंबर और नवंबर।
ये 5 मंथ, ये है आपका लिस्ट ऑफ द, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म, ये साम्स का रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हमने करवाया, इस ये क्वेश्चन ही आपका दे सकते हैं, आपका सेट दे देंगे एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग था 31 डेज, आप बोलेंगे हैविंग हैविंग 31 डेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी जनवरी, अब बताइए कि आप वो जो टेबल आपको थोड़ी देर पहले बताया था उससे हो जाएगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई होगा, जून नहीं होगा, जुलाई अगस्त ये तो रहता ही है, जुलाई अगस्त, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा। तो देखिए 7 मंथ होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, मतलब के पहले क्या क्या कॉन्सोनेंट्स है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के पहले प्रीसीड मतलब पहले, पी फॉर प्रीसीड, पी फॉर पहले, के पहले आपका लेटर क्या क्या है, ये सारे के पहले लेटर, इसमें कॉन्सोनेंट क्या क्या है बताइए। बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, ए बी सी, बी सी डी एफ जी एच और जे भी है। ओके तो देख लीजिए बी सी डी एफ जी एच जे, दीज आर द कॉन्सोनेंट्स बिफोर के। सेम क्वेश्चन बताइए हम इसको अगर ये कर दें भावेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन में जो कॉन्सोनेंट है उसको छोड़ दीजिए, तो ये ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, दिस आर द वावेल्स ए ई आई ओ यू, यही तो होता है ए ई आई, ए ई आई जो प्रिसीडिंग के। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका लेफ्ट साइड में जो गिवन है ये रोस्टर मेथड में है, और राइट साइड में जो गिवन लिखे हैं हमने ये आपका सेट बिल्डर मेथड में है, तो आपको मैच करवाना है, मैचिंग है। तो देखिए ऑप्शन ये जो 3 नंबर पे देखिए मैथमेटिक्स, इससे बनेगा मैथमेटिक्स, तो इसके साथ सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए तो 3 जाएगा डी पे, आप देखते हैं 1 2 3 6, देखिए ये सारे 6 का डिवाइज़र है, ये सारे के टेबल, 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, तो 1 जाएगा C पे, देखिए आप अच्छे से। और 2 3 क्या है? 2 3 प्राइम डिवाइज़र ऑफ 6, देखिए ये सारे नंबर्स क्या था? डिवाइज़र ऑफ 6 था, इसमें प्राइम कौन कौन है? 2 3, ये है प्राइम डिवाइज़र ऑफ 6, प्राइम एंड डिवाइज़र, तो 2 जाएगा A पे, तो 2 जाएगा कहाँ पे? ए पे। और लास्ट कौन सा बचा है? तो 4 जाएगा कहाँ पे? 4 एक ही बचा है, 10 से छोटा ऑड ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या है? 1 3 5 7 9, तो 4 जाएगा आपका बी पे, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए। स्टूडेंट अभी तक हमने जितना क्वेश्चन डिस्कस किया सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में भर भर के है, तो हमने कुछ कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसका सॉल्यूशन आप खुद करिए और मेरे साथ मैच कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड 60 लेस देन एक्स लेस देन 80, तो 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या है ये आपको ढूंढना है।
तो इसको आपको रोस्टर मेथड में लिखना है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट इन रोस्टर मेथड बोल के चार क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ओके, तो हम लोग आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा? हमने आंसर लिख दिया, लिख लिया, मैच कर लीजिए। 61, 67, 71, 73 एंड 79। तो दीज आर फाइव नंबर, क्योंकि ये दोनों, ये सारे नंबर्स का सिर्फ दो ही फैक्टर है। आप करके देखिए, ये सिर्फ वन के टेबल में आएगा और 61 के टेबल में आएगा, 67 भी वन के टेबल में आएगा और 67 के टेबल में आएगा, और किसी का टेबल में नहीं आएगा। ये सारे नंबर्स, ये सारे प्राइम नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू पे क्या है, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, वन स्क्वायर करके कितना मिलता है, वन। टू स्क्वायर करके कितना मिलता है स्टूडेंट्स, फोर। थ्री स्क्वायर करके कितना मिलता है, नाइन। फोर स्क्वायर करके कितना मिलता है, 16। तो ये जो वन, फोर, नाइन, 16, फाइव स्क्वायर करके कितना मिलता है, 25। फाइव स्क्वायर कितना मिलता है, 25। सिक्स स्क्वायर कितना मिलता है, 36। ये जो 25, 36, सेवन स्क्वायर अब लिख लीजिए, काम आएगा बहुत। 7 49, 8 square 64, 9 square 81, 100 square 100, 10 square 100। ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है। वन किसका स्क्वायर है, वन का स्क्वायर है। फोर किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है। नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का। जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों स्टूडेंट्स, ये 25 का स्क्वायर है। देखिए, जो किसी का स्क्वायर है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लिख लीजिए हिंदी में ही। ओके, तो 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर 1 होगा, 4 होगा, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49। 50 से छोटा बोले तो 49 तक ही होगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री बोले कि एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक्स कौन सा रियल नंबर है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको मिटाना है थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है जो किसी का क्यूब है। जैसे वन क्यूब क्या होता है, वन। टू क्यूब क्या होता है, एट। थ्री क्यूब क्या होता है, 27। फोर क्यूब क्या होता है, 64। फाइव क्यूब क्या है, 125। सो ये 1, 8, 27, 64, 125, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब है। सिक्स क्यूब क्या होता है, 216। सेवन क्यूब क्या होता है, 343। सेवन क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 49 × 7 करेंगे तो आपका, हाँ, 343 आएगा। तो ये सारे 343 जो परफेक्ट क्यूब नंबर। तो बताइए, 1 और 10 के बीच में परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, सिर्फ है 1 है, और बीच में बोले बिटवीन है ना, तो लेस देन है ना स्ट्रिक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 10 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है परफेक्ट क्यूब, जो है 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का। अगर हम ये तो इसका आंसर हो गया 8। अगर हम यहाँ पर इक्वल कर दें तो यहाँ पर x इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 और 8 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऐसे कर दें तब भी इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि 10 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। x 10 नहीं ले सकते, क्योंकि x तो परफेक्ट क्यूब है, 10 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, तो आप आते हैं थ्री नंबर पे। तो ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन लिखिए पहले, x का माइनस 5x + 6 = 0। क्लास 10 में मिडिल टर्म प्रोसेस में आप फैक्टराइज किया था, या श्रीधर आचार्य फार्मूला से आप एक्स का वैल्यू आएगा। देखिए, मिडिल टर्म करिए, एक्स का वैल्यू आएगा 2 और 3, दोनों रियल नंबर ही है। 2 और 3 दोनों तो रियल नंबर है। देखिए, 2 यहाँ पे रखिए इक्वेशन में, लेफ्ट साइड में सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा। 3 रखिए लेफ्ट साइड में, तब भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए करके, 3 square - 5 × 3 + 6, 3 square क्या होता है, 9 - 3, 5 = 15 + 6, तो 6 + 9 = 15 - 15 = 0, इक्वल राइट हैंड साइड। तो 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो बोल रहे कि एक्स कैसा है, एक्स ऐसा रियल नंबर जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स थ्री, तो एक्स कैसा रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बोले कि एक्स सिर्फ 2 और 3 है, 2 एंड 3। 2 रखने से तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, 3
रखने से तब भी ये सेटिस्फाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर आएगा, आप इसको फैक्टराइजेशन जो हमने किया है इसका आंसर आपको मतलब फैक्टराइज करके दिखाना है। तो सेम क्वेश्चन एग्जाम में हम दे देंगे, लिख लीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सिर्फ चेंज कर देंगे हम, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो एक्स कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो है प्लस वन माइनस वन। देखिए इसका आंसर आएगा वन, वन स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस वन स्क्वायर माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वन और माइनस वन ये दोनों नंबर ही सेटिस्फाई करेगा, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वन, दैट इज़ प्लस माइनस वन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो दो रूट आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी रोस्टर मेथड में लिखना है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा रोस्टर मेथड में आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा, ये आइदर दिस इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा, और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स का क्या वैल्यू आया, जीरो एंड वन। अब बताइए तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो एंड वन, तो दिस इज द आंसर। अगर हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोल के ये क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर में सिर्फ वन आएगा। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर में सिर्फ वन आएगा। आप बोलेंगे क्यों, जीरो एक इंटीजर है जो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव नहीं है, जीरो न्यूट्रल है, हम लास्ट वीडियो में बताया था, जीरो इंटीजर है बट पॉजिटिव नहीं है स्टूडेंट, नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन बता दिया ना, पॉजिटिव इंटीजर लेना है एक्स को, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो ही चीज़ सीखा है कि रोस्टर मेथड में कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉपर्टी मेथड बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाल सेट्स, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है ये बताएंगे, सिंगलटन सेट क्या होता है ये बताएंगे, इक्वल सेट्स का डेफिनेशन बताएंगे, ये सब बताएंगे, और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स क्या होता है, इसका रिलेटेड एग्जांपल्स क्या होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट दोस्तों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।